नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया हाजिर हूं आपके सामने दोबारा इनकम टैक्स से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर के। रिसेंटली हम सब देख रहे हैं सेक्शन 148 के नोटिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे 31 मार्च तक जारी कर दिए। वहां पर सर दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं शायद पहले भी किसी वीडियो में थोड़ा बहुत उनके ऊपर बोला हूं, कुछ और क्लैरिटी मुझे लगा आवश्यकता है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो। वन, मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि 31 मार्च 2018 तक असेसमेंट ईयर 2011-12 के लिए एक नोटिस इशू हुआ, जबकि उसकी सर्विंग सर अप्रैल महीने में हुई, क्या वो नोटिस वैलिड है या नहीं है? अगर मैं सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से जाता हूं तो वो बड़ा स्पष्ट कहता है कि नोटिस अंडर सेक्शन 148 शुड बी सर्व, परंतु 148 उस नोटिस की टाइम लिमिट नहीं देता। सर, नोटिस की टाइम लिमिट पड़ी है सेक्शन 149 में, और सेक्शन 149 जो टाइम लिमिट देता है वो नोटिस के इश्यूएंस की टाइम लिमिट देता है। तो यदि डिपार्टमेंट ने 31 मार्च 2018 तक असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए एक नोटिस दे दिया है जो चाहे सर्व्ड आफ्टरवर्ड्स भी हुआ है, तो वो नोटिस प्राइमा फेसाई वैलिड है, पहली बात सर। अब दूसरी बात, लॉ या जनरली ये जिस प्रकार से आपके पास में नोटिसेज आ रहे हैं 148, वो कह रहा है सर इस नोटिस के रिसीट से 30 दिन के अंदर रिटर्न भरिए। अब एक बहुत बड़ी गफलत तो ये है कि साहब रीजन टू बिलीव क्या है जिसके बेसिस पर हम वो रिटर्न को भरे, न जाने असेसी से क्या गलती हुई। बहुत सारे रीजंस हैं सर, आपने कोई रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन किया, रिपोर्ट नहीं किया, आपने कोई शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन किए, कोई ऐसी कंपनी के शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन किए जिसका नाम किसी सर्च सर्वे एक्शन के अंदर डिपार्टमेंट के पास आ गया कि वो पेनी स्टॉक तरीके का है, किसी के खाते में कैश जमा हो गया 10 लाख या उससे ज्यादा। इस प्रकार के सर बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं जो डिपार्टमेंट की नजर में 148 यानी 147 करने के लिए उपलब्ध है। तो खैर, आपको रीजन टू बिलीव लिखित में डिपार्टमेंट देगा ही नहीं जब तक आप 148 की रिटर्न नहीं भर दें। तो 148 के रिस्पॉन्स में रिटर्न भरनी है। अब मेरा अगला इशू ये कि मुझसे बहुत सारे मेरे मित्रों ने ये भी पूछा कि ये जो 148 का रिटर्न है, मान लो हम 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ 148 नोटिस नहीं भर पाते, तो क्या उसके बाद में हम रिटर्न भर सकते हैं क्या? देखिए, मेरा ऐसा मानना है सर, लॉ में ये नहीं लिखा कि आफ्टर 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 यू कांट फाइल अ रिटर्न अंडर सेक्शन 148, इट कैन स्टिल बी फाइल। क्यों? क्योंकि सर सेक्शन 234A, 234B, 234C के प्रावधान तो वहां पर लग ही रहे हैं कि आपने टाइमली रिटर्न नहीं भर रखी, आप पर इंटरेस्ट लगेगा, आपने एडवांस टैक्स नहीं दे रखा, 234B लगेगा, आपने डेफरमेंट कर रखा है उस टैक्स का जो आप 234C में देने के लिए लाइबल हैं, क्योंकि आप 148 की रिटर्न भरते समय मान रहे हैं कि मैंने इतने का टैक्स लाइबिलिटी देना है। तो सर 234ABC की वैलिडिटी आएगी ही तब जब असेसी एक रिटर्न भरेगा, और रिटर्न में ये सारी चीजें शामिल हैं। मेरे ओपिनियन में सर 148 के नोटिस में कहीं पर भी 30 डेज का टाइम लिमिट जो लिखा है सर, वो लॉ में नहीं लिखा है कि 30 डेज ही दिए जाएंगे। इट कुड बी 15 डेज, इट कुड बी 30 डेज, इट कुड बी 60 डेज। और अगर वो आपकी रिक्वेस्ट पर टाइम नहीं भी बढ़ाए और आप लेटर भी ऐसी रिटर्न भरेंगे सर, तो वो रिटर्न इनवैलिड नहीं है। उस रिटर्न की वैलिडिटी पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, एक बात के लिए मैं सर अभी भी मानता हूं, हालांकि पेनल्टी के फॉर्मेट्स बदल रहे हैं, बट हायर आर द चांसेस कि अगर हम 148 की रिटर्न में अपनी इनकम को खुद सरेंडर करते हैं, उस पर टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, देन हमारे ऊपर पेनल्टी लगने की संभावनाएं, निश्चित रूप से मैं यहां कंसीलमेंट पेनल्टी की बात कर रहा हूं, कम हो जाती है। तो सर इस प्रकार का कुछ डिस्कशन मुझे लगा मुझे करना चाहिए इन द रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ 148 नोटिस। आई होप यू विल फील इट दैट Perhaps this information would be useful to you. I wish you all the best for handling all such 148 kind of assessments. And in case I may be of any need, jisme main aapki help kar sakun, to I am always there. Thank you very much. Thank you for listening to me.